मामूली विवाद के चलते पेट में चाकू घोप कर युवक की हत्या करने का प्रयास करने का मामला नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, वही आगे की जांच जारी है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले ने दी। शहर में दिन प्रतिदिन आपराधिक गतिविधियों में खासा उछाल देखा जा रहा है। इसी बीच नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत मामूली विवाद के चलते चाकू से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी अमन मेश्राम अपने मित्र जख्मी नागेश मेश्राम के साथ 25 फरवरी को रात करीब 10:45 के दरमियान अपने दोपहिया वाहन से पडोले नगर निवासी अपने मित्र तुषार भोते से मिलने उसके घर गए थे, पर तुषार घर पर नहीं होने से वापस जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में आरोपी भुरा सुल्की और गुणवंत सोनटक के जाते हुए दिखाई दिए। परिचित होने की वजह से अमन ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। तभी अमन के साथ उसके बाजू में खड़े मित्र नागेश को आरोपियों ने बाजू में हटने के लिए कहा। इसी बात को लेकर अमन और नागेश की आरोपियों से बहस हो गई। तैश में आकर आरोपियों ने भी अमन और नागेश के साथ गाली गलौज की। तभी आरोपी गुणवंत ने अपने पास रखा चाकू निकालकर नागेश के पेट तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर वार कर उसे जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद अमन की शिकायत के आधार पर नंदनवन पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिनांक 26/2/2022 रोजी रात्रीचे 10:30 दरम्यान अमन मेश्राम व नागेश मेश्राम हे ॲक्टिवा गाडीने पडव नगर येथे त्याचा मित्र तुषार भोवते याला भेटण्यासाठी गेले। तुषार भोवते हा घरी नसल्याने ते दोघे परत येत असताना वाटेत गुणवंत सोटके व भुऱ्या सोलसे उभे होते। त्यांनी त्यांना गाडीने जाण्यासाठी रस्ता मागितला असता त्यांनी साले तू दादा सांगपणा करताय का असं म्हणून गुणवंत सोनटकेने त्याजवळ चाकूने नागेश सोनटक्याच्या कमरेच्या खाली चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले। सध्या तो मेडिकल हॉस्पिटल येथे ॲडमिट आहे। अमन मेश्राम याने दिलेल्या तक्रारीवरून गुणवंत सोनटके व भुऱ्या सोनसे गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्यांचा पीसीआर 2 मार्चपर्यंत आहे। यातील दोन्ही गुन्हेगार हे रेकॉर्डेड आरोपी आहेत। पुलिस ने आरोपी भुरा सुल्खी और गुणवंत सोनटक्के के खिलाफ हत्या के प्रयास में मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।